मेरठ में स्कूटी सवार रॉन्ग साइड आ रही दो महिलाओं को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। महिलाओं ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आपको बता दें कि मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना गेट चौकी के पास बारिश के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी, लाइट भी गुल थी। ऐसे में बुढ़ाना गेट चौकी पर पुलिस जाम को खुलवाने का प्रयास कर रही थी। इतने में ही स्कूटी सवार रॉन्ग साइड से आ रही दो महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने रोका। पुलिस कर्मियों द्वारा रोके जाने पर स्कूटी सवार महिलाएं आग बबूला हो गईं और महिला कांस्टेबल से भिड़ गईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी सवार महिलाएं महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। इतना ही नहीं, स्कूटी सवार महिलाएं पुरुष पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई को उतारू दिख रही हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों स्कूटी सवार महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है आज। ये थाना कोतवाली नगर मेरठ के चौकी बुढ़ाना गेट का प्रकरण है। बारिश के बाद में जो है सड़क पर जाम लगा हुआ था और भीड़ में जो है आवागमन जो है लोगों के लिए परेशानी हो रही थी। इस मौके पर रॉन्ग साइड से आती हुई दो युवतियां जो एक स्कूटी पर सवार थी, उनको स्थानीय पुलिस महिला कांस्टेबल इनके द्वारा रोका गया। उनके द्वारा इस बात पर पुलिस से बदतमीजी करी गई है, अभद्र आचरण किया गया है, गाली गलौज भी हुई है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने काफ़ी अभद्र आचरण किया पुलिस के साथ में। स्थानीय लोगों की मदद से और जो महिला कांस्टेबल है उसकी मदद से इन लोगों को रोका गया और अब इनके विरुद्ध संसदीय धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। विवेचना के क्रम में आगे निष्पक्ष वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।